नमस्कार सलाम। न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम चुनाव चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। पिछले एपिसोड में हमने यूपी निकाय चुनाव की बात की, जिसके लिए 4 मई और 11 मई को वोट डाले जाएंगे। इस बार फिर लौटते हैं कर्नाटक चुनाव की तरफ। कर्नाटक में नामांकन का काम पूरा हो चुका है, यानी अब मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कर्नाटक में 10 मई को वोट डाले जाएंगे और मतगणना आपको पता है 13 मई को होगी। तो शुरू करते हैं चुनाव चक्र। कर्नाटक के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, कर्नाटक की राजनीति तेजी से बदल रही है। बीजेपी में काफी टूट दिखाई दे रही है, संकट दिखाई दे रहा है। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इस समय जो ओपिनियन पोल भी आ रहे हैं, उसमें भी कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है। और आप जानते हैं कि इस समय की भाजपा सरकार भी कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। जी हां, 2018 के चुनाव में उसे बहुमत नहीं मिला था, हालांकि वह सबसे बड़ी पार्टी थी और इसी तर्क के आधार पर राज्यपाल ने उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया। लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा विश्वास मत हासिल करने से पहले ही इस्तीफा देकर बाहर हो गए और फिर कांग्रेस जेडीएस की सरकार बनी। लेकिन फिर बीजेपी का ऑपरेशन लोटस चला और फिर जोड़ तोड़ से बीजेपी सत्ता में वापस आ गई और अब तक काबिज है। लेकिन सरकार कितनी बेहतर तरीके से चल रही है, इसका उदाहरण यही है कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री तक बदलना पड़ा और येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। दोनों ही कर्नाटक के वर्चस्वशाली लिंगायत समुदाय से आते हैं। इसके अलावा कर्नाटक की राजनीति में वकलिंगा समुदाय की भी काफी दखल है। तो क्या कुछ चल रहा है इस समय कर्नाटक की राजनीति में, क्या बन रहे हैं मुद्दे, चुनाव में क्या है विभिन्न समुदाय की भूमिका, इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, कर्नाटक से प्रतिष्ठित कन्नड़ लेखिका, रिसर्चर और महिला एक्टिविस्ट मीनाक्षी बाली जी। तो मीनाक्षी जी, न्यूज क्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय निकाला हमारे लिए। गुलबर्गा में हैं इस समय। मैं यही जानना चाह रहा था आपसे कि कर्नाटक की राजनीति और ये चुनाव कैसे देख रही हैं आप? कर्नाटक तो अब बहुत गर्मी है, इधर वातावरण में भी गर्मी है और चुनाव के गर्मी भी इसमें शरीक हो गए हैं। तो लोग तो बहुत परेशान हैं। जब से इधर बीजेपी का राज चल रहा है, आरएसएस वालों का भोलभाला है, कर्नाटक एक ऐसी जगह है सदियों से धर्म सामरस्य, धर्म समन्वय और एजुकेटेड और मेहनत करने वाले लोगों की ये स्थान है। लेकिन आज बीजेपी जो आया, बीजेपी जब से इस धरती पे अपना राज करना शुरू किया, तब से जात पात धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ने की जो काम कर रहे हैं, इसलिए अब लोग बहुत नाराज है उनसे और दिक्कत में भी है। ये इलेक्शन खाली कर्नाटक की इलेक्शन नहीं है, देश के भविष्य को निर्धार करने वाले इलेक्शन है, ऐसा राजकीय विश्लेषक मानते हैं और हम कर्नाटक के लोग भी ऐसा मानते हैं। ये इलेक्शन खाली कर्नाटक के लिए नहीं है, पूरी देश के लिए बहुत मायने रखती है। तो साउथ जो है नॉर्थ से बिल्कुल अलग है। साउथ के जो लोग है थोड़ा बहुत एजुकेटेड है इधर और मेहनत करने वाले है, अब तक भ्रष्टाचार से परे थे। तो सुपरस्टिशियस वगैरह, इसके बारे में आपको आंकड़ा मालूम ही है, साउथ और नॉर्थ के तुलना करें तो एजुकेशन रेट और उद्योग की रेट और साइंटिफिक जो टेम्परमेंट है उसकी जो रेट है वो अच्छे, काफी अच्छे तरीके से है।
लेकिन अब जो राज करने वाले हैं वो हमारे स्टेट को पीछे लेके जा रहे हो, आगे नहीं पीछे लेके जा रहे। उसके लिए आपको आंकड़ा मैं दे सकती हूँ, जो औरत की जो काम करने वाले रेट था वो घट गया, बिल्कुल घट गया है, 25 से 30% घट गया है। पौष्टिकता में कर्नाटक कब इतना पिछले हो गए, नॉर्थ की स्टेट्स के भी पिछले होते जा रहे हैं पौष्टिकता में। और जो चाइल्ड मैरिज, कर्नाटक कभी भी चाइल्ड मैरिज में इतना आगे नहीं थे, चाइल्ड मैरिज में कर्नाटका आगे होते जा रही है। भ्रष्टाचार जी तो सीधे सीधे बहुत सारे बीजेपी के शासक और एक गुत्थेदार जो कॉन्ट्रैक्टर, उसका नाम लिख के मर गया है, वो सुसाइड किया है। जी 40% से ज्यादा में से लोग, यानी कि शासक, ये देश का, ये कर्नाटक को चलाने वाले हमारे एमएलए लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं, मैं पैसे लगा चुकी हूँ। तो जैसे आप बता रही हैं ये सब बातें, हमने भी रिपोर्टें छापी, आज भी एक रिपोर्ट थी कि शिक्षकों के बिना ही शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की बात की जा रही है। वैसे एजुकेशन में आगे रहता है साउथ, लेकिन कर्नाटक में 57% करीब शिक्षक टीचर्स नहीं है स्कूलों में, पहले बिल्कुल नंबर पर है बिल्कुल देश में कर्नाटक इस मामले में। खैर, पर जो आप भ्रष्टाचार की बात बता रही हैं, सांप्रदायिकता, ये जो हिंदू मुस्लिम और ये, तो क्या ये सब मुद्दे बनते दिख रहे हैं इस चुनाव में? लोग इन पर बात कर रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर सीरियस हैं? नहीं। अब जो सांप्रदायिक मुद्दे को आगे लेके जा रहे हैं ना, लोग तो थक गए इससे, लोगों का एहसास हो गए, ये लोग सांप्रदायिक मुद्दा इसलिए बना रहे हैं, किसी राम के या धर्म के ऊपर इन लोगों को विश्वास नहीं है, वो दिखाने की चेहरे है। असल बात, ये धर्म पर श्रद्धा रखने वाले नहीं है, धर्म के नाम पर झगड़ा कराने वाले हैं। धर्म अपनी जगह है, इधर लोग धार्मिक श्रद्धालु है, इधर ऐसा है, कर्नाटक के बहुत सारे प्लेसेस ऐसा है जहां कौमी एकता है, जहाँ धर्म सामरस्य है। आपको एक उदाहरण मैं बताऊंगी, 19th सेंचुरी, 9th सेंचुरी में उधर कनाडा में एक बुक आया है कविराज मार्ग बोल के, उसमें एक लाइन है, कसावर वेम्बुदेम नेरे सही रिसलार पड़े परधर्ममं पर विचारम। इसका मैं समझा तू, मैं इसका अर्थ, उसका ये अर्थ है, कसावर यानी कि सोना। सोना किस चीज को बोलते हैं? दूसरों धर्म, दूसरे जाति को सम्मान करना ही सोना है। सोना एक धातु नहीं है, सोना एक धातु नहीं, गोल्ड नहीं है, कसवरा यानी गोल्ड यानी सोना। ये 9th सेंचुरी लिखे सो एक बुक है। ऐसा स्टेट है, ऐसा राज है, इधर कितने जगह आप ढूंढते, हिंदू मुस्लिम मूल के ईद मनाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, यात्रा मनाते हैं, एक दूसरे को मिलजुल के रहते हैं, कभी भी हमारे अंदर भेदभाव की प्रश्न ही नहीं आया। ऐसा एक दूसरे को द्वेष करना, हेट स्पीच करना, ये सब नहीं है, ये कर्नाटक की मिजाज नहीं है, ये कर्नाटक लोगों की स्वभाव नहीं है। ये हो सकते हैं कहीं दूसरे स्टेट में, लेकिन कर्नाटक में ये नहीं जी, चलेगा, शायद यही वजह है कि पिछली बार भी 2018 में पूरा बहुमत बीजेपी को नहीं नहीं मिला मिला। था और वो बाद में जोड़ तोड़ से सत्ता में आई। तो अगर हम बात करें बीजेपी का, तो हमें समझ में आ रहा है, आप बता रही हैं बीजेपी और आरएसएस ने किस तरह की अपनी प्रयोगशाला कर्नाटक को बना लिया है, चाहे वो मुद्दे उठ रहे हैं हिजाब का मुद्दा हो, चाहे कोई और मुद्दे हो। लेकिन हमें विपक्ष, यानी जो इस समय का विपक्ष है वहां, कांग्रेस या जेडीएस, इन सबसे क्या उम्मीदें दिख रही हैं जनता को? क्या वो उम्मीद जगा पा रहा है? कोई आश्वासन दे पा रहा है? किस तरह की फाइट में है? अब कर्नाटक में क्या है, एक सांप्रदायिक इश्यू, दूसरा है ये दाम बढ़ाने का। गैस जी का रेट 450 था, अब 1100 1200 के बीच में आ चुका है। खाने की तेल 60 रुपए था, अब 100 100 150 ऐसा निकल के आए, और डीजल पेट्रोल नमक को लेके हर चीज का दाम बढ़ गया। ये गरीब लोगों को और मिडिल क्लास लोगों के ऊपर बहुत भारी पड़े हैं, लोग इससे परेशान है, बिल्कुल परेशान है। सांप्रदायिक मुद्दा एक जगह, और ये
पूरा ये इकोनॉमिक जो सिस्टम था हमारा सिस्टम, जो इंटरनल सिस्टम पूरा कोलैप्स हुआ है। जीएसटी कर्नाटक में जीएसटी के पैसे, बहुत ज्यादा पैसे देने में सेकंड नंबर पर है कर्नाटक, लेकिन हमारा जो हिस्सा देना था वो बिल्कुल 25% भी हिस्सा हमको नहीं मिल पा रहा है। हमारे पिछले जो चीफ मिनिस्टर थे येडियुरप्पा, 2 बार जाके अमित शाह के सामने, प्रधानमंत्री के सामने हाथ फैला के बैठे तो उसके साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं था, वैसे ही गया, वैसे ही वापिस आया। ये गुस्सा लोगों के अंदर है। तो शायद यही वजह है कि बीजेपी में भी अब भगदड़ दिखाई दे रही है, टूट दिखाई दे रही है। बहुत सारे सर्कस कर रहे हैं। जो अपना रिजर्वेशन था वो माइनॉरिटी का हटा के लिंगायत को देना, और जो वकलगा है उसको देना, ये सब सर्कस नहीं चलेगा। लिंगायत तो मानते नहीं है, लिंगायत का कहना है, बहुत सारे लिंगायत, थोड़े बहुत लिंगायत आरएसएस के पीछे बीजेपी के पीछे होंगे, मैं नहीं है बोल के नहीं बोल रहे, लेकिन बहुत सारे जो लिंगायत है वो प्रज्ञावंत है। बिल्कुल बसवेश्वर की जो फिलॉसफी है, किसी का छीन के खाना ये फिलॉसफी नहीं है। हाँ, मैं यही लिंगायत पे ही बता दूं अपने दर्शकों को कि आप मीनाक्षी जी एक लेखिका हैं कन्नड़ की प्रतिष्ठित, और इस सब समुदाय पर भी आपका काफी काम है। तो बिल्कुल लिंगायत के बारे में आप बता रही थी कि लिंगायत किसी से छीन कर खाने में विश्वास नहीं नहीं रखता। खाते। लिंगायत का मेन नियम है दयविल्लद धर्मादा उदया, दया के बिना धर्म ही नहीं है, दया है उसी को धर्म बोलते हैं। और कायकवे कैलासा, वर्क इज वर्कशिप, ये लिंगायत की मेन तत्व है, फिलॉसफी है। लिंगायत लोग भले ही अपने आप को बड़े जात वाले समझते होंगे, लिंगायत लोग भले ही अपने आप को बहुत ऊंचे समझते होंगे, लेकिन किसी का छीन का खाना लिंगायत लोगों की मिजाज नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए उन्होंने जो समझा, बीजेपी वालों ने जो समझा, हमने इसका रिजर्वेशन छीन के इसको दे दिया तो वो लोग खुश हो गए बोल के, वैसा खुश नहीं है हम। लेकिन 10% जो ईवी ये इकोनॉमिक बैकवर्ड के दिए ना, 10% उसमें लिंगायत को कोई भागी नहीं है, लिंगायत को कोई हिस्सा नहीं है। जो असल 10% दिए है वो 10% वो भी संविधान के खिलाफ दिया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% दिए ना, उसको गुमराह करने के लिए, उससे नजर हटाने के लिए ये 4% की खेल उन्होंने रचाया, लेकिन उसको बीजेपी को वो उल्टा पड़ेगा, भारी पड़ेगा, वो जी, समझे। मैं यही पूछ रहा था कि इसमें लिंगायत की बात हुई तो वोकलिंगा भी एक काफी वहां समुदाय है जिसका वर्चस्व है, वो किस तरह से देख रहा है? हाँ, वकलिगा समुदाय भी वैसे तो छीन के लेना वो भी उतना पसंद नहीं करते। वकलिगा में क्या है, जेडीएस है, जेडीएस का बहुत बड़ा तंजा है उसके ऊपर, जेडीएस का हाथ है, जेडीएस वालों ने इसका प्रचार कर रहे हैं। ये लोग जो बोल रहे हैं वो झूठे तसल्ली दे रहे हैं, वो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, वो तो बोले हैं उसका लागू नहीं हुआ अभी, ये जी, इलेक्शन तो के लिए। जैसे अभी जेडीएस की बात आई, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि कांग्रेस और जेडीएस एक बार सत्ता में रहे, जब 2018 में येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा, तो कांग्रेस से कैसी होप है लोगों को, या जेडीएस से किस तरह का माहौल है इन दोनों पार्टियों के पक्ष में? दोनों पार्टियों के विपक्ष में माहौल ये है, कैसे भी कुछ भी करके बीजेपी को हराना है, आरएसएस वालों को हटाना है, मनुवादी सिद्धांत के ऊपर ये देश नहीं चलाने दूंगे हम। मनुवादी सिद्धांत क्या है, वकलिगा भी जानते हैं और लिंगायत भी जानते हैं और पिछड़े जात वालों भी जानते हैं। इधर दलित संघर्ष समिति, दलित की जो प्रज्ञा है वो बहुत ऊपर स्तर पर है, नीचे स्तर पर नहीं है, तो साउथ में नॉर्थ में है वैसा नहीं है। इवन इधर दलित ऊर्जा, दलित जो प्रज्ञा है बहुत ऊपर की स्तर है, और करना लिंगायत और वकलिगा का प्रज्ञा भी कुछ अच्छे खासे है। तो इसलिए इधर मनुवादी जो सिद्धांत है, मनुवादी जो रीत रिवाज है वो नहीं चलेगा। आपको एक बात बताना, पहले भी बीजेपी ने सरकार बनाया तो बहुमत से नहीं बनाया, उसने हॉर्स राइडिंग किया, उसने अनैतिक तरीके से इस राज को गद्दी संभाल दी है, नैतिकता से तो नहीं संभाल दी है।
इस बार उसको ये जो व्यापार करते थे ना घोड़े के व्यापार, ये घोड़े के व्यापार करने की नौबत ही नहीं दे देंगे। एक एक दफा पश्चाताप हो चुके हैं कर्नाटक की मतदारों को, अब मतदार होशियार हो गए हैं, तो कैसे भी तरह अब किसी के सामने जाके पूछ सकता, आप भले ही मीडिया में और ऊपर की जो स्थिति है उसमें बीजेपी अच्छा है आगे बोल के एक ये फैला सकते होंगे, फैला सकते हैं, भावना फैला सकते हैं, लेकिन अंदर ग्रास रूट लेवल में, ग्राउंड में, ग्राउंड में लोग बीजेपी के खिलाफ है। एक दो मुद्दा मैं पहले से बता रहा हूँ। एक है पूरे ये लोगों के अंदर की जो समस्या थी वो समस्या भड़क उठे है, जो दाम बढ़ गए, सभी का दाम बढ़ गए, और दूसरा सांप्रदायिक मुद्दा। इन दोनों मुद्दे से लोग हैरान है, लोग बिल्कुल कष्ट में है। कोविड के समय में जो लोगों ने हैरान झेला है, 1000-2000 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, इधर नॉर्थ कर्नाटक में हर गांव से लोग काम करने के लिए बंबई, गोवा, सतारा, दिल्ली तक काम करने के लिए जो कार्मिक लोग थे, लेबर थे, वो गए थे उधर काम कर रहे थे। कोविड के समय में पैदल चलते वापस आए हैं, आते वक्त कितने कष्ट झेला है, क्या कष्ट झेला है, दुनिया को मालूम है, सभी को मालूम है। ठीक है, हम भूल सकते, लेकिन जो खुद कष्ट उठाया वो नहीं भूल सकते, बिल्कुल उसके दिमाग में है। तो इसलिए लोगों की जो गुस्सा है ये वोट के जरिए निकलने वाले हैं। लोगों को बीजेपी से जो होप था, बीजेपी ने झूठ बोल के आए हैं। एक तरफ बीजेपी प्योर बहुमत से आए नहीं है, आज भी कर्नाटक में बीजेपी को 35% से, 35% से 35% से ज्यादा वोट नहीं मिला है। चलिए, मैं तो आपसे एक आखिरी टिप्पणी ले लूं, क्योंकि आपकी बात से साफ लग रहा है कि कर्नाटक के लोगों में काफी गुस्सा है, परेशान है, वो महंगाई हो या सांप्रदायिकता हो, बेरोजगारी में भी कर्नाटक का काफी बुरा हाल है। तो एक आखिरी टिप्पणी कि आपका किस तरह का आप देख रही हैं कि अब क्या वाकई में ये बदलाव हो पाएगा और ये बातें आगे बढ़ेंगी? बिल्कुल, अगर फेयर इलेक्शन हो गया, किसी ईवीएम गीवीएम के गफला ना हो, मुझे मालूम नहीं है वो क्या है, और जो पैसे जो बांट रहे हैं पैसे का भोल भाला नहीं हो, लेकिन गरीबी है इधर, गरीबों का जो मजबूरी है, मजबूरी को एनकैश कर सकते हैं लोग, नहीं है नहीं बोल के नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी लोगों का ऐसा समझ में आ रहा है, जो पैसे बांट रहे हैं पहले से, अब एक साल से पहले से ही बांट रहे हैं बीजेपी लोग, ज्यादा दूसरे पार्टी के लोग भी बांट रहे हैं, ऐसा नहीं है बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग जो पहले से बांट चुके हैं, अब बांटने का काम 80% खत्म हो गया है समझो, 20% कल वोटिंग हो परसों वोटिंग हो उस दिन हम उसको बोलते खत्तल रात्रि, खत्तल रात, खत्तल रात की ये जो करने वाले हैं व्यायाम वो तो करते हैं, ये पैसे पैसे की अगर बिल्कुल खरीद रहे हैं लोग, तो दो तरह खरीद सकते हैं लोग, पहले मतदारों को खरीद सकते हैं, इसमें वो फेल हो गए तो वो चुन के जो आते हैं ना उसको खरीद सकते हैं, एक खरीद करके ही जी, इस देश पे ये राज डर कर बना रहे है और हैं इसके काफी उदाहरण मौजूद हैं हमारी है। तो भारतीय राजनीति में। इस बार लोगों के अंदर वो समझ आ चुकी है, ये जो गुमराह कर रहे हैं देश को, इतना ये कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, पीछ पीछ उसको पीठ के अंदर जो छुरा भोंक रही है ना, वो पिछले दरवाजे से जो आने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, इसके लिए हम जरा सतर्क है। लोगों के अंदर जो गुस्सा है, मुझे आशा है और मुझे उम्मीद भी है, इस बार हम आरएसएस बीजेपी को वापस भेज देंगे, कर्नाटक में देखिए, रहने अब के लिए देंगे। मतदाता आखिरी निर्णय क्या करता है और उसका वोट क्या बताता है। बिल्कुल आप हमसे बिल्कुल जुड़े और आपने इतनी ग्राउंड रियलिटी हमें बताई कर्नाटक की, और जितनी साफगोई से, और उसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्ते। तो साथियों, आपने सुना कन्नड़ में गुलबर्गा में मौजूद प्रतिष्ठित कन्नड़ लेखिका, रिसर्चर, महिला एक्टिविस्ट मीनाक्षी बाली जी को, जो साफ तौर पर एक बदलाव देख रही हैं और खफा हैं
कि आरएसएस और बीजेपी ने जो सांप्रदायिकता, जो नफरत की राजनीति वहां की है कर्नाटक जैसे राज्य में, उनका कहना है कि कर्नाटक का ऐसा मिजाज नहीं है, कर्नाटक की ऐसी तरबियत ही नहीं है, वहां के लोगों का ऐसा रुख ही नहीं है कि वो सांप्रदायिकता को इस तरह बढ़ावा दें। उन और हमने भी आपको बताया, उन्होंने भी आपको बताया कि 2018 में भी पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी उसके बाद, और फिर उसके बाद क्या ऑपरेशन लोटस हुआ और किस तरह से खरीद फरोख्त और जोड़ तोड़ हुई और बीजेपी ने वापस सत्ता हथिया ली, ये सब लोगों ने देखा। खैर, आखिरी फैसला जनता को करना है, क्योंकि नेता भी कहते हैं कि जनता जनार्दन है, हालांकि कितनी जनार्दन है वो हम सबको पता है, क्योंकि 5 साल फिर कोई पूछने वाला आता नहीं है। खैर, लोकतंत्र है, चुनाव है, वोट पड़ेगा, तो 10 मई को वोट है कर्नाटक में, 13 मई को नतीजे आने हैं, तभी साफ होगा कि जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे मेहमान, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो सामाजिक विश्लेषक हैं, जो ग्राउंड की रियलिटी देख रहे हैं, वो कितनी वोटों में ट्रांसलेट होती है और क्या नतीजा हमारे सामने आता है। लेकिन मीनाक्षी बालाजी ने एक बहुत साफ कही कि ये कर्नाटक का चुनाव नहीं है, ये केवल कर्नाटक का चुनाव नहीं है, ये देश के भविष्य का चुनाव है और ये उसे ही देश के भविष्य को तय करेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए न्यूज़ क्लिक, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वेबसाइट को पढ़िए, पढ़ाइए, धन्यवाद।